नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमें पता है कि आपको हमारी डायरी के खुलने का इंतजार होता है। हमारी डायरी में क्या लिखा है, उससे पहले हम आपको बताएंगे कि दुनिया की डायरी में क्या लिखा हुआ है। दुनिया की डायरी में लिखा है कि जीवन को जीने के लिए जितनी भी सुख सुविधाओं की ज़रूरत है, जितनी भी चीज़ की ज़रूरत है, उसे हम खरीद सकते हैं, पर जीवन को नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए दुनिया की डायरी में लिखा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इस बात को गोड्डा क्षेत्र के लोग बखूबी समझते हैं और वो स्वास्थ्य के लिए जितनी भी सुविधाएं दी जा रही हैं, स्वास्थ्य के रख रखाव के लिए जितनी भी कदम उठाई गई हैं, उस कदम को वो अपने जीवन में अपना कर जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। तो चलिए रुख करते हैं गोड्डा की ओर और मिलते हैं उन लोगों से जो स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, और ये भी हम उनसे सीखते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें। कहते हैं, विकास तभी संभव है जब हम सबसे पहले स्वस्थ हों, उसके बाद शिक्षित हों। तो विकास की सबसे पहली सीढ़ी स्वास्थ्य है। यदि हम स्वस्थ हैं तो विकास की किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार बहुत सारे स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रही है। दर्शकों, संथाल डायरी कार्यक्रम के तहत हमारी टीम आज आ पहुंची है गोड्डा जिले में, और गोड्डा जिले का अस्पताल बिल्कुल झारखंड में नंबर वन है। कैसे हुआ ये नंबर वन, क्या तरीका अपनाया यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के सिविल सर्जन जो हैं, जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, और क्या इन्होंने अपनाया कि ये बिल्कुल इतना साफ सुथरा, और मरीजों की यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं यहीं के गोड्डा जिले के सदर अस्पताल के जो सिविल सर्जन हैं, डॉक्टर रामदेव पासवान। जब मेरी पोस्टिंग हुई तो मैंने समझा अपने आप को कि ये मुझे सेवा करने के लिए पोस्टिंग हुई है। और आप लोग जानते हैं कि संथाल परगना में गोड्डा, जहां पहाड़िया और आदिवासियों की संख्या अधिक है, तो ये मुझे मौका मिला और अंदर से मुझे ये मिला, प्रेरणा मिला कि ये अवसर है, उनकी सेवा की जाए। तो एक क्वालिटी अस्पताल, गुणवत्ता पूर्वक अस्पताल, जहां साफ़ सुथरा हो, डॉक्टर अच्छे से हो, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा से हो, इसको मैंने लोगों में डेवलप किया। और साथ साथ मेरे टोटल कर्मचारी, सफाई कर्मी से लेकर डॉक्टर तक, सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया, और आज अस्पताल इस मुकाम में है कि मुझे भी लगता है कि मेरा अस्पताल बहुत ही साफ़ सुथरा है, और लोग ने पूरे विश्वास के साथ आते हैं, यहाँ इलाज लोगों ने करवाते हैं, और मैक्सिमम जो बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ संभव हो जाता है। गोड्डा के क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत अभाव है। स्वास्थ्य केंद्र दूर होने की वजह से वृद्धों, बच्चों एवं गंभीर रोगी इत्यादि के इलाज में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए गोड्डा के इस क्षेत्र के लिए मोबाइल हेल्थ वैन की व्यवस्था की गई है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी सुंदर पहाड़ी, CAC सुंदर पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट गोड्डा। मैं यहाँ कार्यरत हूँ 3 वर्षों से, ये 2.5 साल हो चुके हैं, अब 3rd साल शुरू हो गया है। और जहाँ तक रही यहाँ पर जो कायाकल्प जो यहाँ हम लोगों को प्राप्त हुआ, जो इसमें हमारे जितने भी कर्मचारी सबसे पहले और चिकित्सकगण, सभी लोगों का बहुत योगदान रहा। और जिसमें यहाँ पर जहाँ तक इलाज की बात है, इलाज मैक्सिमम जो यहाँ हो सकता है, जो मेरे पास संसाधन है, उस संसाधन के तहत हम लोग मैक्सिमम ये कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जो हमारे जनतागण हैं, आदिवासी पहाड़ियागण, उन लोगों को, एक तो बहुत ही गरीब हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम हम लोग कोशिश करते हैं उन लोगों का इलाज संपूर्ण हो, जिससे कि उसको आगे नहीं तकलीफ उठाना पड़े। और जब वैसा हो जाता है तो फिर हम लोग तो रेफ़र करते हैं। और मेरे अस्पताल का स्थिति यह है कि मैंने भी बहुत जगह घूमा, लेकिन इस तरह का जो सिस्टम यहाँ हमारे पूर्व के प्रभारी साहब और अभी वर्तमान में हमारे सिविल सर्जन साहब हैं, उनका सबसे ज़्यादा योगदान रहा। उनके दिशा निर्देश पर हम लोगों ने काम किया, और जितने भी कर्मचारी हैं दूर दराज में, हमारे जितने MPW हैं और ये सब जितने लोग हैं, बहुत ही तत्परता से उन लोगों ने काम किया, और जिस कारण से इसमें हम लोगों को बहुत उपलब्धि मिली, बहुत जगह नाम हुआ, सर को ये पुरस्कार भी मिला। और उसी तरह से हम लोग जितने भी अभी भी आज तक के डेट में
जितना भी अभी भी छिड़काव या जो सभी अभी कार्यक्रम हम लोगों का चल रहा है, आयुष्मान भारत का भी चल रहा है, जहाँ यहाँ गोल्डन कार्ड भी बनता है, जो मरीज आते हैं उन लोगों को तुरंत में ये सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे कि उन लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है। और यहाँ पर सबसे पहली बात है कि हम लोग बहुत प्रॉम्प्ट रहते हैं कि उस गरीब जनता को जिसके लिए ये अस्पताल है उसकी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को हम लोग इलाज अच्छे ढंग से करते हैं। अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में जांच की जाती है एवं दवाई बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। जांच के लिए अगर किसी के पास वो BPL कार्ड है जो बहुत गरीब हैं तो उन लोगों के लिए मैं फ्री करवा देता हूँ। उसमें भी अगर कोई आदमी अगर हमसे अगर एक एप्लीकेशन दे के डिमांड करता है कि सर मैं पैसा देने में सक्षम नहीं हूँ, तो मैं उसको फ्री करके एक्सरे या जांच करवा देता हूँ और उसके इलाज की समुचित व्यवस्था हो जाती है। दवाइयों की अगर कमी होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि सिविल सर्जन साहब को बोल करके अगर मेरे पास कोई फ़ंड है तो लोकल से भी परचेजिंग हो जाए, या फिर वो जो सिस्टम होता है उसके तहत दवाइयाँ उपलब्ध हो जाए। अगर इस समय अगर फ़ंड अगर उपलब्ध नहीं है तो सिविल सर्जन साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर बहुत सारी दवाइयाँ जो PHC में यूँ ही पड़ी हुई है वहाँ से भी हम लोगों को उपलब्ध करवा दें, जो मेरा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। गांव-गांव में हर जगह जो है सहाया जाती है, सिविल सर्जन साहब जाते हैं, मेरी टीम जाती है, और क्योंकि मैं तो सदर अस्पताल तक ही सीमित हूँ, ऐसे लोगों के लिए सिविल सर्जन साहब काफ़ी प्रयासरत रहते हैं, पूरी टीम रहती है। जब हॉस्पिटल में यहाँ पर पहुँचते हैं तो उसके लिए हमारे साथ जो मेरी टीम है, जो भी जांच का जो हमारे पास जो सिस्टम है वो सब जो है पैप स्मेयर या किट वो सब रहती है, उससे हम लोग डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट जो है अगर कैंसर का है तो किस लेवल पर है। अगर वो यहाँ तक इलाज करने में हम सक्षम हैं तो हम लोग उसकी कोशिश करते हैं, अगर वो हमारे चिकित्सक के दायरे से बाहर हो जाता है तो हम लोग उसको रेफ़र करवा देते हैं। लोगों में साफ सफाई, HIV, सर्पदंश, परिवार नियोजन जैसी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती है। अभी हमारे पास जो ओपीडी में होता है, स्क्रीनिंग करके पेशेंट आती है, या फिर गर्भवती लेडीज रहती है, या फिर रिप्रोडक्टिव रिलेटेड जो भी डिजीज रहता है वो हमारे पास आती है। तो जैसे कि डिस्चार्ज का हिस्ट्री, PID का बहुत ज़्यादा हिस्ट्री रहता है, और फिर सर्वाइकल कैंसर का हिस्ट्री रहता है, ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री रहता है। तो इन सबों का इलाज क्या यहाँ संभव है सदर अस्पताल गोड्डा में? आप अच्छे तरीके से इलाज दे पाती हैं? कोशिश करते हैं, हमारे पास किट भी अवेलेबल है, कोशिश करते हैं हम सभी। वैसे अगर कुछ वैसा दिक्कत होता है तो हम लोग रेफर करते हैं, यहाँ से लोग भागलपुर जाते हैं, रांची जाते हैं। सफ़र में हम लोग ममता भवन से यहाँ कॉल सेंटर में कॉल करते हैं, यहाँ से गाड़ी जाती है, अगर यहाँ से गाड़ी उपलब्ध नहीं दूसरे गांव में जाते हैं फिर हम 108 पे कॉल करते हैं। तो 108 पे कॉल करते हैं तो गाड़ी कभी भी रात में कभी भी करते हैं तो गाड़ी समय पे आ जाती है। जैसे अभी भी एक पेशेंट को हम लाए हैं, अभी यहाँ भर्ती करवाए हैं, मैडम से भी दिखाएँ, और अभी यहाँ को बहुत अच्छा सुविधा मिल रहा है सरकारी हॉस्पिटल में। अभी हम लोग बहुत खुश हैं कि मेरे सदर में बहुत अच्छा बहुत अच्छा से। फिर उसके बाद जब आप चूंकि गांव-गांव में घूमती हैं, हाँ जी, तो लोग क्या करते हैं? लोग क्या करते हैं कि अभी प्राइवेट में जो हम लोग को दिक्कत होता है सर, प्राइवेट से ज़्यादा यहाँ साफ सफाई के बारे में भी अभी मेरे अस्पताल में डिलीवरी रूम में भी और हम लोग को भी जरा सा भी कहीं कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। आप गांव से चलकर यहां आती हैं जी, आपको जानकारी है ये सदर अस्पताल जो गुड्डा है ये झारखंड के अस्पतालों में नंबर 1 है जी। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ कि हम हेल्प डेस्क में भी बैठते हैं, हाँ। तो हर जगह से बुहारी जोर से अगर दूर दराज से भी सही आती है उसको भी हम हेल्प करते हैं, और वहां से अक्सर पेशेंट जो उधर से आती है तो यहां सब खुश होके जाती है। रेस्ट रूम है ना? जी सर है, नीचे में रेस्ट रूम है। आप लोग रुकते हैं रात में? हाँ सर रुकते हैं, कभी कभी तो नहीं रुक पाते क्योंकि सैया का इतना वर्क इतना काम जैसे बढ़ रहा है, अभी जैसे भी डिलीवरी भी करा रहे हैं और उपस्वास्थ्य केंद्र में भी आज मीटिंग हो रही है, उधर भी देखना है, फलेरिया का भी कार्यक्रम है, सैया कम न कि नित दिन कोई कोई नया नया काम आ ही रहा है। तो पेशेंट के साथ ये सब काम करके आप अपने आप को कितना खुश महसूस? बहुत खुश। कहीं गाँव या 10 कदम चलते हैं तो गाँव वाला रोकते हैं कि दीदी ये दिक्कत, और ये जो है ये कार्ड के तहत से जो और इलाज हो रहा है आयुष्मान भारत के तहत से, पूरा ग्रामीण भी खुश है, पूरा लाभ भी मिल रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत कम हुई है।
कुपोषण, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर बहुत कम हुआ है। ग्रामीण संस्थागत प्रसव को महत्व दे रहे हैं, साफ सफाई के प्रति भी सजग हो रहे हैं। सुंदर पहाड़ी और ये बुआरी जोर हमारे यहाँ दो प्रखंड हैं जो ये जो मलेरिया और ये कालाजार से है ना ग्रसित है। सहिया से लेकर जनप्रतिनिधि, सहिया और हमारे हेल्थ वर्कर, MPW, SI, ये सब का सहयोग मिला। हम लोगों ने अवेयरनेस का प्रोग्राम ये चलवाया, गांव गांव चलवाया, ये फीवर का जो है सर्वे घर घर करवाया, इसमें सबका सहयोग रहा। साथ साथ IRS जो छिड़काव होता है कालाजार का, उसका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। IRS के द्वारा हुआ कि हम व्यक्ति तक पहुँच गए, घर के व्यक्ति तक पहुँच गए और हर व्यक्ति की जानकारी हमको हो गई, ये हो गई, प्राप्त हो गई कि इस घर में लोग कितने कालाजार से पीड़ित थे और कितने लोगों को मलेरिया हुआ था, ये सब हम लोग को मिल गई जानकारी। उसी हिसाब से हमने अपना जो प्रोग्राम है या मैक्रो प्लान है उसको तय किया और उस सब चिन्हित गांव पर हमने विशेष दिया ध्यान दिया। और अभी ये है कि नगण्य हो गया है, इसको तो समाप्त नहीं बोलेंगे, इन मिलेनियम के फेज में है और ये सब जो बीमारियाँ हैं करीब करीब नगण्य है। पूर्व की अपेक्षा मात्र शिशु मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी आई है। HVNC होती है और टीकाकरण होती है, वहाँ NM गांव में ही उसका जांच करता है, तो वहाँ डिक्लियर होता है कि ये लेडीज प्रेग्नेंट है, पहला वहाँ उसको टीकाकरण मिलता है, उसका इम्यूनाइजेशन कार्ड बनता है और कार्ड बनने के बाद वो प्रक्रिया में चल जाता है और उनको खाने पीने के लिए मतलब 2,000 रुपया करके 3 स्टॉल में दिया, यानी कुल 6,000 रुपया उसको दिया जाता है। उसके बाद समय समय पर उसका जांच होता है, ANC होता है, ताकि बच्चा जो मतलब पेट में है वो ठीक ढंग से ग्रोथ हो रहा है या नहीं उसको देखते हैं हम लोग। उसको अगर मान लीजिए उसको अगर बच्चा में किसी तरह का डिफिकल्टी आ रहा है या सीजर का ज़रूरत पड़ेगा, उसको पहले से माँ को प्रिपेयर करते हैं हमारे NM, सैया साथी, MPW, टोटल जो है एक्टिव सर्विलेंस जो है मेरा डोर टू डोर चलता है और इसको वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। उसके बाद जब मान लीजिए उसका अगर सीजर का ज़रूरत पड़ता है तो उसको पहले से हम प्रिपेयर कर देते हैं मेंटली कि आपका सीजर का नौबत आएगा। तो उसके लिए जिस किसी भी तरह का अगर गांव में कष्ट होता है किसी भी मरीज को तो 108 पे डायल करते हैं, हमारे यहाँ उपलब्ध 108 एम्बुलेंस है, वो जाती है उस गांव से मरीज को यहाँ लाती है, हम लोग तुरंत यहाँ तैनात रहते हैं, डॉक्टर रहते हैं, NM रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ रहते हैं और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। उसमें भी देखते हैं अगर सीजर का ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ गोड्डा से डॉक्टर सिविल सर्जन को फ़ोन करते हैं, सिविल सर्जन वहाँ से डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं, वहाँ आके यहाँ जो है उसका सीजर होता है। अगर वो सिविल सर्जन कहते हैं कि नहीं रोगी को रेफ़र कीजिए, रेफ़र करते हैं और सदर हॉस्पिटल में उसका सीजर होता है, उसका हर तरह का सारी सुविधाएँ मुफ्त में दी जाती है। ये तो जिस दिन हमारी पोस्टिंग सुंदर पहाड़ी में हुई तो मैं पहले भी यहाँ पूर्व में था पदस्थापित, उस समय भी मैं देखता था कि यहाँ के जो आदिवासी या पहाड़िया लोग थे उनकी स्थिति, मैं तो उस समय में देखता था लोग जो खटिया में टांग के लाते थे और रास्ते में ही वो कोलैप्स हो जाते थे। तो जब पोस्टिंग हुई उसी समय से हमारा मन में हुआ कि ये मुझे एक अवसर मिला है उनको शिक्षित करने का, उनको अवेयरनेस का प्रोग्राम देने का और उसके लिए हमको अस्पताल में उसका विश्वास जगाने के लिए कि नहीं अस्पताल का अब रूप चेंज हो गया है, साफ़ सुथरा है, डॉक्टर भी अच्छे हैं, NM दीदी भी लोग अच्छे हैं, तो ये उनको विश्वास दिलाने के लिए कि मेरा अस्पताल झारखंड सरकार का अस्पताल बहुत ही अच्छा है, जहां हम जाएंगे हम सही हो जाएंगे, इसीलिए हमने इस पर बहुत ध्यान दिया कि कैसे उनको आकर्षित करें अस्पताल के प्रति। और साथ साथ जो गांव घर में है ये झोला छाप के लोग हैं उनसे मुक्ति दिलाने के लिए मैंने अस्पताल पर विशेष रूप से काम किया, जिसका आज परिणाम है कि लोग सीधे अस्पताल आते हैं। मेरा तो संदेश है कि अब पूर्व की तरह अब अस्पताल नहीं रहा,
झारखंड सरकार भी अपने ओर से प्रयासरत हैं। अभी जो भी ऑफिसर आते हैं अन्य भी जिला में, वो भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं और वो भी चाहते हैं कि सरकार की योजनाएं जनहित में घर घर तक पहुँचे, घर घर तक उसको हम लाभ पहुँचावे। यही है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लावे, यही हमारा कामना है और यही हम चाहते हैं और यही हम संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि स्वास्थ्य की सुविधा उठाएं, सरकार उनके लिए पूरी व्यवस्था की हुई है। तो दर्शकों, देखा आपने कि गोड्डा क्षेत्र के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कितना सजग है। जरूरी है कि हम भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जीवन को खुशहाल बनाएं। जब जीवन में खुशहाली की बात होती है तो संगीत बजते हैं। यही एक खास वजह है कि हमारे संथाल डायरी कार्यक्रम में संगीत को एक खास तवज्जो दी गई है। और संगीत की बात जब भी होती है तो हमने लोक संगीत को खास ध्यान रखा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोक संगीत जो है पूरे लोक की यानी समाज की कहानी को बयां करता है। तो चलिए हम सभी आनंद उठाएं लोक संगीत का। कलाकार हैं अनिल मुखियार एवं साथी।
दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि अपनी डायरी में आज हम जितनी सारी चीज़ें लिख कर लाएँ वो अपनी डायरी में आप ज़रूर लिखेंगे और उसे अपनाएंगे। यकीन मानिए, आपका जीवन एक कदम आगे बढ़ेगा। फिलहाल हम अपने कदम को यहीं रोकेंगे क्योंकि समय हुआ है समाप्त। अगले अंक में फिर होगी हमारी मुलाकात संथाल डायरी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।